please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच तालमेल के लिए आयोजित भोज में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनकी फ्लाइट छूट गई थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, RLSP नीतीश की जगह कुशवाहा को बिहार में अगले CM का प्रबल दावेदार मानती है। दूसरी ओर BJP ने दावा किया है कि बिहार में NDA में कोई नाराजगी नहीं है और गठबंधन पहले की तरह मजबूत है। नागमणि जी, आप लोग कितना सीट चाहते हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सीट का सवाल नहीं है, सवाल है बिहार का। जो कुछ दिन पहले हम लोग मीडिया में देखा कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके CM के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने का, उसका हम लोग घोर विरोधी है। चूँकि नीतीश कुमार का कार्यकाल 5 साल बहुत शानदार रहा है, 5 साल के बाद कोई खास उपलब्धि नहीं है और ऐसी हालत में उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मजबूत नेता के रूप में उभर के आए हैं। उस पार्टी का काफ़ी जनाधार बढ़ा है, उस पार्टी में हमारे ऐसे लोग शामिल हुए, दसन चौधरी जी शामिल हुए, श्री भगवान सिंह शामिल हुए, आपका हमारा जो प्रेजेंट प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय चौधरी जी, पूर्व सांसद वो शामिल हुए, तो इस तरह से हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है BJP से, NDA से, कि सीट का भी शेयरिंग पहले क्लियर किया जाए। बिहार का NDA मजबूत है, देश का NDA मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे नीतीश कुमार, भाजपा और बाकी NDA के सभी सहयोगी मित्र कर मजबूती से काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। मुंबई के हिंदमाता इलाके में सड़क पर भरे पानी के बीच से कुछ लोग गुजरने लगे। हिंदमाता समेत कई इलाकों में कुछ ही घंटों की बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई और लोगों को घुटनों तक पानी में डूबकर सड़क पार करनी पड़ी। बारिश के बाद ऐसे हालात मुंबई के जिन इलाकों में बने उनमें लोअर परेल, सांता क्रूज, अंधेरी, बांद्रा, माहिम और माटुंगा शामिल हैं। जगह जगह पानी भरने से हो रही दिक्कतों के लिए लोगों ने BMC यानी मुंबई के नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। BMC ने सफाई नहीं की है, ये BMC का काम है, तो करना चाहिए BMC ने सफाई, सब जगह गंदगी भरी है। हालांकि BMC ने बारिश के बाद कुछ इलाकों में भरे पानी को निकालने के लिए पंप भी लगाए, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाफी साबित हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई में कल से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए BMC ने वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा NDRF की टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग को हटाने लगे। ये लोग पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता राजभवन में घुसने की कोशिश करते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ हिंदुस्तान आवामी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं। हालांकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजभवन में नहीं घुसने दिया और प्रदर्शनकारियों को पीछे हटा दिया। इससे पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान में जुटे और हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार होश में आओ, पेट्रोल गैस का दाम कम करे और इसको GST के दायरा में लाए, यही मांग। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली और दलितों पर अत्याचार की घटनाओं का भी विरोध किया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में शांति के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है, बशर्ते उन्हें देश के संविधान में विश्वास हो। पहले दिन जब मैं कश्मीर में आया था, उस समय मैं कहा था कि मैं सभी स्टेक होल्डर से बात करना चाहता हूं। मैं अपने स्टेटमेंट को आज तक जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में अथवा होल कंट्री के कंटेक्स्ट में कभी चेंज नहीं किया। जो एक बार बोलता हूं फॉर्मली, मैं उसी पर जो है बिल्कुल टिके रहता हूं। आतंकी संगठन भी अगर आते हैं देश के संविधान के दायरे में आकर हथियार रख के बात करते हैं, तो सरकार बात करती है। ये बार बार गृह मंत्री जी ने कहा है, सरकार की ही धारणा है।
ताइवान में एक फौजी हेलीकॉप्टर से बहुत से लाल हेलमेट वाले सैनिक उतरे और उन्होंने एक खुले मैदान में मोर्चा संभाल लिया। चीन से अलग अपनी सरकार चलाने वाले ताइवान ने चीन के हमले की स्थिति में उसे जवाब देने की फौजी ताकत को अपने ताइचुंग एयरबेस पर जांचा परखा। जिसकी शुरुआत हेलीकॉप्टर से आए लाल हेलमेट पहने हुए सैनिकों के हमले से हुई। उनके मोर्चा संभालते ही वहां पर कई हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। उन्हें लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से जवाब दिया गया। वहीं जमीन पर टैंक हमले का जवाब उन पर गोले दाग कर दिया गया। तभी भारी भरकम चीनूक हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे जिन्होंने लाल हेलमेट वाले सैनिकों पर हमला बोल दिया। ताइवान की राष्ट्रपति ने भी फौजी अभ्यास देखा और चीन को नाम लिए बिना सख्त पैगाम दिया। इस अभ्यास के दौरान ताइवान ने भारी हथियार से जंग की अपनी क्षमता को भी परखा, जिसमें टैंक, भारी विमान और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। कई मिसाइलें भी दागी गईं। ताइवान ने ऐसा कर हमला करने की अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बीआर पाटिल का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाटिल कथित तौर पर पार्षदों को केवल हिंदुओं के लिए काम करने को कह रहे हैं। वायरल वीडियो में बीआर पाटिल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्षद सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करें, क्योंकि बीजापुर में हिंदुओं ने ही पाटिल के पक्ष में वोट डाला था। इतना ही नहीं, वीडियो में पाटिल ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया कि टोपी और बुर्का वाला कोई भी उनके दफ्तर में न आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में पहली बार इफ्तार पार्टी दी। पिछले साल सालाना इफ्तार पार्टी की परंपरा खत्म करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने का पर्दाफाश कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा से अयोग्य ठहराए गए शरद यादव के वेतन और हवाई यात्रा समेत दूसरे भत्तों पर रोक लगाते हुए फिलहाल सरकारी बंगले में रहने की इजाजत दे दी। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। खबर है कि एयर इंडिया की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से कर्मचारियों के वेतन में लगातार तीसरे महीने देरी हुई और कोई खरीदार नहीं मिलने की वजह से मई का वेतन अब तक नहीं दिया गया है। करीब 21,000 करोड़ का कर्ज चुकाने में नाकाम रही वीडियोकॉन कंपनी के खिलाफ NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने याचिका स्वीकार कर ली, यानी अब उसके खिलाफ दिवालिया कानून का केस चलेगा। यूपी के नोएडा में एक स्कूल के प्रिंसिपल दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।